लायक से ज्यादा बेहतर शब्द है, एक इंसान को तैयार करने में, एक शिक्षित इंसान को तैयार करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया और आज इन शिक्षकों का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको बेमित्रा से दिखा रहे हैं। खास बात, टाई पहुंची हुई है, तो 32वां शिक्षक सम्मान समारोह 2017 यहां पर आप देख रहे हैं लाइव बेमित्रा से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने यहां पर शिरकत की, तो वह सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। तो बता दें आपको, यहां पर 26 सेवानिवृत्त शिक्षकों और 23 प्रतिभावान छात्र छात्रा को सम्मानित किया जाएगा। तो यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन शिक्षकों को सम्मानित करते हुए आप साफ देख सकते हैं। तो यहां पर उन सभी शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा है जो सेवानिवृत्त हैं। तो उन शिक्षकों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उन सभी शिक्षकों को सम्मान करते हुए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो सुमित्रा से ये लाइव, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन सभी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके चलते इन 26 शिक्षकों को चिन्हित किया गया और सम्मान किया जा रहा है। साथ ही बता दें 23 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी सम्मान किया जा रहा है। तो छात्राएं आगे बढ़ते हुए और अपने और मेडल देते हुए यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, तो उन सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है जो प्रति आप बच्चे को याद दिखा सकते हैं।
जिला स्तरीय शिक्षक तो सभी 26 सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया गया, तो साथ ही 23 प्रतिभावान छात्र छात्रा को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन यहां पर शामिल हुए और उन सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। तो यहाँ पर कई मंत्री भी मौजूद हैं इस मंच पर, तो 32वां शिक्षक सम्मान समारोह यहाँ पर चल रहा है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया, साथ ही छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। तो जिला स्तरीय शिक्षक जिन्होंने अपने शिक्षा की श्रेणी में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया और यहां पर अपने ज्ञान को बांटा, जिसको लेकर 26 सेवानिवृत्त शिक्षक को चिन्हित किया गया था और आज उन्हें सम्मानित किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये शिक्षा की श्रेणी में, तो शिक्षा को बढ़ावा देते हुए यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सराहना करते हुए सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपने प्रतिभावान से लोगों का और दिल जीता और शिक्षा की श्रेणी में खुद को सर्वश्रेष्ठ पाया। तो बेसिक स्कूल मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को रखा गया। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी और इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को सम्मानित भी कर दिया गया है, तो उन सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जो शिक्षा की गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ थे। तो सभी के गुणवत्ता को यहां पे प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सभी को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया, तो वहीं शिक्षकों को भी सर्टिफिकेट देके और श्रीफल देकर सम्मानित किया। तब से कुछ ही देर में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह यहां पर शिक्षक और छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे। अलग जो संस्कार है, शिक्षा के प्रति जो सम्मान है, इस प्रकार जो आप प्रकट करते हैं अपने आप में अनूठा है और ये सबको प्रेरणादायक है, लायक है कि विभिन्न तरह के लोग इस साल से बिना रुके विधायक कोई हो, सरकार किसी का हो, मंत्री कोई है, मुख्यमंत्री कोई है, पर आपका ये क्रम नहीं रुकता और छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले छत्तीसगढ़ बने को 70 साल हुआ है 2000 में आपने, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और सबको लगता है जब आपने माननीय हमारे स्पीकर महोदय लोकसभा के सम्मानित सुमित्रा महाजन जी को आग्रह किया, हम सब ने बात किया, दिल्ली के प्रेस आयोजन के बाद आज उनका कल उनका कार्यक्रम पूरे
जयपुर में चेन्नई से होते हुए अंत में उन्होंने कहा कि जब मेरे तरह के लोग को इतनी इच्छा है, मेरे तरह के जनप्रति भी ऐसा चाहते हैं, तो मैं सारे कार्यक्रम में परिवर्तन करके रात में जयपुर आ जाऊंगी और रात में जयपुर पहुंचूंगी। रात में खराब मौसम के बावजूद एक बार पूरे बेमेतरा के वो जोशीला स्वागत ताली बजा के दोनों हाथ खा के माननीय हमारे ऐसे तो हम उन्हें मानते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही रहा है, पर सुमित्रा जी का छत्तीसगढ़ के प्रति विशेष प्रेम रहा है। आज हेलीकॉप्टर में आते आते उन्होंने आज से 25 साल पहले दंतेवाड़ा सुकमा नारायणपुर की यात्रा की थी, उनका तत्पर बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ आना उनको कितना प्रिय, पता नहीं कितनी बार संगठन के नाते, सरकार के नाते, मध्य प्रदेश मंत्री के नाते, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र मंत्री के रहते और ऐसे शिक्षक सम्मान में आपसे सुमित्रा जी का चयन पूरा बेमेतरा ने एक स्वर से किया था, जो 8 बार लगातार लोकसभा में सांसद के रूप में उस लोकसभा को गौरवान्वित करती है। 8 बार एक बार पंच सरपंच बन जाए पसीना निकल जाता है जी, एक बार विधायक बनने को मुश्किल पड़ता है। 8 बार लोकसभा में कंटिन्यूअस और अलग अलग पदों में रहते अपने आप में कीर्तिमान है और ये इनकी स्वभाव की मधुरता, ज्ञान की प्रखरता और लगातार सक्रिय रहने की वजह से संभव हुआ है कि आज पूरे देश के अंदर में वो सबसे बड़े सदन को चलाने का दायित्व मिला है, हमारे सुमित्रा जी को मिला है, ये हमारे लिए गौरव है। हम इनको मध्य प्रदेश का नहीं मानते, हम इनको छत्तीसगढ़िया ही मानते हैं। छत्तीसगढ़ वाले इससे कभी अलग ना थे, ना हुए हैं, ना होंगे। अपना अपना अपनापन इन्होंने स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, दिल्ली की स्नातक की डिग्री हासिल की और अपना राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक जीवन की शुरुआत न केवल समाज सेवा से किया बल्कि इंदौर की वार्ड के पार्षद के हैसियत से राजनीति का जीवन शुरू करने वाले थे। यहां से फिर विधायक बनके, मंत्री बनके, सांसद बनके और आज सर्वोच्च पद पे रहती है, तो सुमित्रा नायक जी का मैं साथ मुझे सौभाग्य रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से हम लोगों को रहने का अवसर मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो 2000 से 2004 में राजमंत्री के हैसियत से मैं दिल्ली में था, तो सुमित्रा जी का बहुत अच्छा हमको मिला था, वो मंत्री के हैसियत से उनका अनुभव हम लोगों को मिलता रहा।
33,000 हो गए, 900 हाई स्कूल के, हायर सेकेंडरी स्कूल के 3,270 हायर सेकेंडरी हो गए। आज छत्तीसगढ़ में 50,000 स्कूल, 54,00,000 बच्चे पढ़ते हैं, 2,44,000 शिक्षक इसमें काम करते हैं, 11,980 करोड़ का बजट शिक्षा को है। धन्यवाद लेकर बीजापुर तक शिक्षा की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ ने अपनी बेहतर पहचान बनाई है और एक विशेष पहचान ये शिक्षक समान सम्मान समारोह में विशेष अतिथि हमेशा आते रहे हैं, शिक्षा भी लाते रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले आते रहे हैं। मगर इस मेरे तरह को गौरव मिलता है कि कलाम साहब भी यहाँ के आपको आशीर्वाद लेके जा चुके हैं। ये आपके उस विशिष्ट शिक्षा के सम्मान की पहचान आपने बनाई है प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में। और आज मैं यही कहना चाहूंगा, विकास की धारा बहती रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमने तेजी के साथ काम किया, 3 विश्वविद्यालय से 13 विश्वविद्यालय, 3 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज, 11 इंजीनियरिंग कॉलेज से 51 इंजीनियरिंग कॉलेज, 10 पॉलिटेक्निक से 50 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 67 आईटीआई से बढ़ गई 176 आईटीआई, 4 एग्रीकल्चर कॉलेज से 40 एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, या आईआईटी है, या आईएम है, या ट्रिपल आईटीआई, या एम्स जैसे संस्थान है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। ये है छत्तीसगढ़ के राज निर्माण के बाद 2000 से 2017 की यात्रा। शिक्षा के सर्वे सभी क्षेत्रों में 27 लाइवलीहुड कॉलेज हिन्दुस्तान का पीला राज होगा, जहां से सभी जिलों में हमने कौशल होने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की। छत्तीसगढ़ शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी समारोह पर हमने बड़ा अभियान स्वच्छता का देखा है। हमारी हमारी सबकी सोच और मान्यता है कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ होगा तो छत्तीसगढ़ स्वस्थ होगा, और स्वच्छ छत्तीसगढ़ होगा तो समृद्ध छत्तीसगढ़ होगा। और देवेंद्र ने भी माना है कि प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से पूरे भारत को मोटिव बनाने का आह्वान किया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा देश खुले शौच से मुक्त होगा, स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ छत्तीसगढ़ होगा, स्वच्छ देवेंद्र जिला होगा। देवेंद्र की जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद आपने तय किया है कि 2 अक्टूबर 2019 का इंतजार देवेंद्र नहीं करेगा, देवेंद्र 2 अक्टूबर 2018 को खुले शौच से मुक्त हो जाएगा। मैं आपको बधाई दूंगा। देवेंद्र के सारे सरपंच जनपद जिला यहाँ के नागरिकों को जहां बैठे हुए मंच में हमारे जनप्रतिनिधियों को जिनकी वजह से आज देवेंद्र ने अकाल की छाया सुखे की स्थिति है। मैंने देखा पत्रों की स्थिति, निश्चित रूप से उसके लिए सरकार चिंतित है। किसानों के दुख में, किसानों के सुख में सरकार हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी है। किसानों को उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इसी चैनदार के साथ आपने तय कर लिया है जितने भी हमारे युवा पीढ़ी ये है विकास कर रहे हैं उन सब का सर्वे का काम कर दिया है। आज किसी 6-4 में मुआवजा की राशि आपको मिलेगी। बीमा जो आपने कराया है 13,50,000 किसान उनको बीमा की राशि मिलेगी, और पिछले साल जो उत्पादन हुआ था उसका पूरा का पूरा बोनस मिलेगा 2100 करोड़, और इस साल जो उत्पादन होगा अगले साल बोनस मिलेगी। हमने सरकार में 3 प्रकार से इस प्रकार के सूखे से निपटने की जो आज योजना बनाई है, गांव गांव में राहत के कार्य के लिए तैयारी की गई है, हॉस्पिटल के निराकरण के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया है। इस प्रकार आपके साथ
की टीम